हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता है आपका दादा टैकी दादा। मेरा नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों आज मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं इस बोट स्टोन ग्रेनेड ब्लूटूथ स्पीकर का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कि आखिरकार ये स्पीकर कैसे बजता है, मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है तो मेरे क्या इसके बारे में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे कैसा लगा है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कंपनी क्या क्लेम करती है और एक्चुअल में क्या आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बेस जो है वो भर भर के आता है। मतलब तकरीबन जो है वो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने जो है वो बड़ी वाली कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रखी है। तो बेस के मामले में कहीं भी आपको निराश नहीं करता है। इफ़ यू आर समवन हु लव्स बेस तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। केवल 5 वॉट का इसके अंदर स्पीकर आता है लेकिन फिर भी बेस आउटपुट बिल्कुल इम्प्रेसिव है। आप अगर कोई ट्रांस म्यूजिक सुनते हैं, EDM सुनते हैं तो अच्छा खासा बेस इसके अंदर सुनाई आपको देगा। इसके अंदर 7 घंटे का प्लेबैक टाइम कंपनी ने क्लेम किया हुआ है, लेकिन अगर आप हैवी यूसेज करते हैं तो पूरे 7 घंटे नहीं लेकिन करीब करीब 7 घंटे मिल जाता है। 6.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम इसके अंदर आपको मिल जाता है। हाईएस्ट वॉल्यूम पे सुनेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा डिस्टॉर्शन आ सकता है, लेकिन जो चीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ी सी अंडरवेलमिंग जो लगी है वो ये है कि इसकी जो मिड फ्रिक्वेंसीज और हाई फ्रिक्वेंसीज है उसके अंदर की क्लैरिटी से मैं हल्का सा नाखुश हूँ। तो वो अगर इसके अंदर थोड़ी सी सुधार दी जाए तो अच्छा होगा, या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कंपनी ने जो है वो बेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बाकी की जो फ्रिक्वेंसीज है वो क्लैरिटी वाइज उतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक के अंदर की जो मिड फ्रिक्वेंसीज और हाई फ्रिक्वेंसीज है वो पूरी दब जाती है, पूरी फ्लैट आउट हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, सुनाई देती है, लेकिन जितने क्लैरिटी से आपको वो सुनना पसंद है उतना नहीं आ पाता है। तो वो अगर थोड़ा सा बैलेंस साउंड आता इसके अंदर से तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता था। बाकी आप इसको मैक्सिमम वॉल्यूम पे सुनिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी तरीके से फट रहा है स्पीकर, आप इसको मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर भी सुन सकते हैं। मैंने इसके साथ गेमिंग भी की हुई है। बाय द वे इसका अगर आप म्यूज़िक और गेमिंग का वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे बजता है तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो मिल जाएगा, या तो चैनल के ऊपर जा करके वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर खोलेंगे तो आप ऑक्स भी लगा सकते हैं और माइक्रो SD कार्ड जो है वो भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। यहाँ पर इसका एक चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है। चार्जिंग टाइम मैं कहता हूँ कि फेयर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर इसके अंदर लगती है लेकिन अगर आप इसको पूरा चार्ज होने का मौका देते हैं तो अच्छे तरीके से ये आपको प्लेबैक टाइम प्रोवाइड कर देगा। ये वैसे कंपनी का कहना है कि ये IPX6 रेटेड है, तो ये शॉक और वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ नहीं कहूँगा लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर कुछ वाटर स्प्लैश वगैरह होता है तो उतना ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर पूरा ही डूब जाए तो बंद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। कंपनी का कहना है कि ये जो डिज़ाइन उनका है ये काफ़ी ज़्यादा रगेड है, ये अगर गिर वगैरह जाता है तो उतना ज़्यादा इसको नुकसान नहीं होगा। बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे खासा अच्छा लगा है, और ये कंपनी जैसा कहती है वैसा रगेड तो है, मतलब इसको आप कहीं भी लटका देंगे और ऐसे ये शेक भी करेगा तो ऐसा नहीं लगता है कि भैया कहीं गिर जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक अगर आप देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है। तो खैर जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है उस लिहाज से ये ठीक ही है। इसके बटन मुझे विशेष तौर पर अच्छे लगे हैं, ये जो बटन्स इसके अंदर ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। इसके अंदर 1200 mAh की एक लिथियम बैटरी आती है, तो वैसे देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए और करती भी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसके अंदर आता है, तो ये एक और अच्छी बात मुझे इसके बारे में लगी है। और इसके अंदर इंटीग्रेटेड एक आपको असिस्टेंट भी आता है, तो इंटीग्रेटेड असिस्टेंट मतलब क्या है कि कनेक्ट हो रहा है तो वो वॉइस से आपको बता देगा कि कनेक्ट हो रहा है या बंद हो रहा है तो वो बता देगा। आप गूगल असिस्टेंट का वॉइस भी इसके थ्रू सुन सकते हैं, तो ये अच्छी बातें हैं। आप इसका इस्तेमाल गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आपको मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि गेम्स के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लास्ट के साउंड आ रहे हैं,
या और कोई मिसलेनियस साउंड्स आ रहे हैं तो वो एम्पलीफाई करके बराबर ये आपको बता देगा। और एक फीचर इसका मैं आपको बताऊं तो आपने अगर म्यूजिक चलाना तो आप ऑक्स भी लगा सकते हैं, बंद कर दिया है और आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपको इसको अलग से पावर ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 5 मिनट बाद अपने आप पावर ऑफ हो जाता है। तो कई ब्लूटूथ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने वहाँ पर जो है वो स्ट्रीमिंग बंद भी कर दिया और डिस्कनेक्ट भी कर दिया तो भी पावर ऑफ अलग से करना पड़ता है, वरना वो पूरी बैटरी उतर जाती है और अगले बार आप उसको चला नहीं पाते हैं। तो ये एक स्मार्ट फीचर इसके बारे में मुझे ज़रूर महसूस हुआ है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा, क्या आपको ये खरीदना चाहिए? जहाँ पर आपको JBL जैसे भी ऑप्शंस मौजूद हैं उसके ऊपर इसको प्रेफर करना चाहिए क्या? तो एक तरीके से मैं कहता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत JBL के स्पीकर इससे ज़्यादा महंगे आते हैं और मोर और लेस उनका भी परफॉर्मेंस इसके जैसा ही है। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर इसको लें तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो रगेड डिज़ाइन भी मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टाइलिश भी और लगता है क्योंकि यहाँ पर JBL की जो ब्रिक जो आती है वो आपने देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वो लगता है। तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा स्टाइलिश है और थोड़ा सा वाटर स्प्लैशिंग का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर वारंटी वगैरह भी अच्छी आती है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गाने के अंदर की बारीकियों से बहुत ज़्यादा लगाव है तो ये चीज़ शायद उतनी ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मिड फ्रिक्वेंसीज और हाई फ्रिक्वेंसीज के मामले में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं।